अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे मटर मशरूम। इसके लिए चाहिए 200 ग्राम मशरूम, 500 ग्राम मटर, 2 कटे हुए मीडियम साइज के टमाटर, 5 कटे हुए बड़े प्याज, आधी कटोरी दही, 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट। सबसे पहले एक बर्तन में पानी गर्म कर लें। अब इसमें मशरूम डालें। 2 मिनट तक मशरूम को गर्म पानी में रखें। अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों तेल डालें। जब तेल गर्म हो जाए तब 2 तेज पत्ता, आधा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी डालें। जब जीरा मेथी चटक जाए तब कटे हुए प्याज डालें। अब प्याज को हमें हल्का गुलाबी होने तक लगातार चलाते हुए भुनना है। जब प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तब टमाटर डालें। अब टमाटर के गलने तक भुनें। जब टमाटर गल जाए तब 1 बड़े चम्मच अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट डालें, अच्छे से मिला दें। अब आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के मिलाएं। अब दही में 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल के अच्छे से मिला लें। अब इसे मसाले में डाल के अच्छे से चला दें। अब मसाले को तेल छोड़ने तक मीडियम फ्लेम पे भून लें। अब इसमें मटर डालें। मटर को मसाले में अच्छे से मिला दें। अब स्वाद अनुसार नमक डालें। एक बार अच्छे से चला दें। अब इसे कवर करके लो फ्लेम पे मटर के गलने तक छोड़ दें। बीच बीच में चलाते रहें। यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी न डालें क्योंकि मटर भी पानी छोड़ेगा। मटर गल जाए तब मशरूम डालें। अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम फ्लेम पे छोड़ दें। पांच मिनट बाद इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला डालें और धनिया पत्ता डालें। अब फ्लेम ऑफ कर दें। अब मटर मशरूम बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। आपको ये रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।